हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी स्वीट कॉर्न कबाब। ऐसे टेस्टी स्वीट कॉर्न कबाब के लिए मैंने लिया है एकदम फ्रेश स्वीट कॉर्न एक कटोरी। उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, उसमें है गाजर, उबला हुआ आलू, प्याज, शिमला मिर्च, बंधा गोभी। और मसालों में मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, अदरक, हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये ब्रेड क्रम्स है, चावल आटा है, मैदा, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, तेल तलने के लिए, और थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है जो मैं दिखा नहीं पाई। सबसे पहले स्वीट कॉर्न को मैंने ला के छिल लिया है, छिल के अब मैं उसका पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहो तो फ्रोज़न स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हमें दरदरा ग्राइंड करना है, फाइन पीस नहीं बनाना है, और ग्राइंड करते समय पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैंने इन्हें निकाला है बाउल में निकाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी के वेजिटेबल्स वन बाय वन। सबसे पहले मैंने डाला है बंदा गोभी, फिर गाजर, शिमला मिर्च, प्याज भी डालूंगी। यहाँ पे वेजिटेबल आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, या सिर्फ स्वीट कॉर्न और उबले हुए आलू के साथ भी बना सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा लगेगा। अब मैंने डाला है एक स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, एक स्पून जीरा पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर और एक इंच अदरक का टुकड़ा। इसे मैं खींच के डाल रही हूँ, आप चाहो तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। उसके अलावा बारीक कटा हरी मिर्च और खूब सारा धनिया पत्ती डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा डालने से बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैदा डाल के, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चावल की आटे की जगह आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करना। अब मैं इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर में जो मॉइस्चर है उसी से हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा डो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। आप हाथ से गोला बना के देख लेना, अगर आपका बॉल बनता है मतलब आपका बैटर रेडी है, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा चावल का आटा या मैदा डाल लेना। अगर हार्ड बनता है तो 1 टीस्पून जितना पानी डाल लेना। अब हमारा डो एकदम परफेक्ट बना है। अब मैं इसके बना रही हूँ कबाब। कबाब मैं लंबे शेप में बना रही हूँ, आपको जिस शेप में बनाना है आप उस शेप में बना सकते हो। इनको बना के मैं रख रही हूँ साइड में। आप चाहो तो गोल टिक्की जैसे भी बना सकते हो, या कुकी कटर से स्टार शेप, जो भी शेप आपको देना है वो भी दे सकते हो, या जैसे सीप कबाब होते हैं उस तरीके से स्टिक में भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से लगता है। लगा के अब फ्राई कर लेना। अब मैंने इसी तरीके से सारे कबाब बना लिए, कुछ मैंने गोल में बनाए, कुछ लंबे बनाए। सारे कबाब बनके रेडी है, मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने एक प्लेट में डाला है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डाल के दूसरी प्लेट में मैं डाल रही हूँ मैदा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था बैटर में, और 1 टेबल स्पून का मैं पतला सा घोल बना रही हूँ। इसका जो बैटर है, जो घोल है, हमें ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इसका बैटर बन के रेडी है। अब मैं उठा रही हूँ एक कबाब, कबाब को लेके हमें इस बैटर में डिप करना है। इस तरीके से डिप करके उसके तुरंत बाद निकालना है, निकाल के ब्रेड क्रम में कोट करना है। मैदे के बैटर में ज़्यादा देर नहीं रखना है। निकाल के अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। हम लोग एक कबाब उठाते हैं, तुरंत मैदे के बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। कोट करके इसको रखते हैं साइड में। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप इस तरीके से सूजी लेके सूजी में भी कोट कर सकते हो, अदरवाइज आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी कबाब बहुत अच्छे से बनते हैं। अब सारे कबाब बन के रेडी हैं। मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। तेल जैसे गर्म हो गया, एक बार में जितने आते मैंने उतने कबाब डाल दिए। डाल के गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके गोल्डन ब्राउन होते तक पलटते हुए मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। स्वीट कॉर्न वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये फ्राई हो गए, मैंने इन्हें निकाल लिया। इसी तरीके से मैं पूरे कबाब को फ्राई कर लूँगी। ये कबाब आप पार्टी के लिए बना सकते हो, घर में छोटी मोटी बर्थडे पार्टी है या जो भी है उसके लिए भी बना सकते हो, टी टाइम स्नैक्स बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। बना के आप इसे चटनी, सॉस जिसके साथ चाहे उसके साथ सर्व भी कर सकते हो। अब सारे कबाब बन गए हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल के मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ। अब आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।